आ ही नहीं सकता वैक्सीन, इसलिए कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है हमने नहीं, आप सुन तो लीजिए पहले, आपका दिमाग घुमा हुआ है। आप आज भी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मैं सीधे पिन पॉइंट। अरे सुन तो लीजिए, उनके उत्तर दीजिए ना भाई, चुप से। अरे हम सवाल पूछते तो हमें देशद्रोही चेहरा दिया जाता था। आलोक जी आपका दिमाग खटक गया क्या? देखिए आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, सामने कैसे पेश आएंगे, प्लीज भाषा की मर्यादा रखें। नहीं मैं तो बिल्कुल, शराफत से जवाब दे रहा हूँ। आज कोई तुतु मैं नहीं करना चाहता इनको। हर वक्त आप जितना राजनीति करना चाहिएगा, देश में आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपके लिए पार्टी के लिए इतना कम है कि जितना राजनीति कीजिएगा उतना नीचे गड्ढे में जाएगा। सुन लीजिए आलोक जी, इसलिए कि राजनीति हम नहीं कर रहे, हमने आपके सवालों का जवाब देना चाहिए। एक सवाल का जवाब नहीं, गजब नहीं है, आप सवाल, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस देश में क्या रॉ मटेरियल होता है जिसकी जरूरत है, जो आज जो वैक्सीन बनती है उसकी रॉ मटेरियल कहाँ से आएगी? आप तो बड़े सीना चीर के बोल रहे हैं कि भैया हमको मत भेजो दुनिया में, तो रॉ मटेरियल भी नहीं आएगा, तो कहाँ आप यहाँ डफली बजाइएगा? मेरे भाई हम पिछले 70 वर्षों से वैक्सीन एक्सपोर्टर हैं, वर्ल्ड के सबसे बड़े। अरे सुन लीजिए, सबसे बड़े वर्ल्ड के एक्सपोर्टर हैं। आपने भिखारी बना दिया आपकी सरकार की जीरो प्लानिंग ने। आपने जो वैक्सीन यहाँ बन रही है उसका रॉ मटेरियल हमें दूसरे देशों से चाहिए, इसलिए मजबूरी हमें एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है। ओपन कर दीजिए ना लाइसेंस, तो क्यों नहीं कर रहे हैं आप ओपन? कंपनी अपने आप खरीदेगी, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या काला बाजारी करवाना चाह रहे हैं आप? क्या सेटिंग है आपकी दो कंपनियों से? देखिए प्रीति जी, या तो ये बोल ले फिर मैं बोलूंगा। मैं नहीं, नहीं, आप बताइए ना भाई, आप इस लाइसेंस को ओपन क्यों नहीं करना चाहते, इसको इतना रिजर्व क्यों रखना चाह रहे हैं? और वो भी सवा साल के बाद। प्रीति जी सीधे सवाल पूछ रहा हूँ मैं इनसे, आलोक जी, और मैं नहीं पूछ रहा हूँ, पूरा देश पूछ रहा है। आज भी हमारी पार्टी, ये हमारी पार्टी, अरे आपकी पार्टी की वजह से शमशान भूमि में 15-15 घंटे में नंबर नहीं आ रहा है। पार्टी को नुकसान होगा, देश की जनता जानती है। पार्टी भाई, पार्टी से बाहर निकलोगे कि नहीं निकलोगे आप लोग यार? इसीलिए कह रहा हूँ पार्टी पार्टी पार्टी, अरे आप सरकार में हैं, सरकार की तरफ से जवाब दीजिए। जवाब दे रहे, सुनने की क्षमता रखिए। आलोक जी जवाब तो सुनिए, अगर आपका कोई सवाल है तो उसका जवाब आपको सुनना पड़ेगा ना, और आप बीच में इंटरप्ट करेंगे तो फिर वो भी इंटरप्ट करेंगे तो बात बनी नहीं पाएगी। ऐसे सुनिए, देखिए प्रीति जी, मैंने कोई इंटरप्ट नहीं किया, उन्होंने जो बोलना चाहा अमर्यादित बात भी कही, मैंने सुना। इसलिए कि आप कहेंगे कि बीच में हम इनको इंटरप्ट कर रहे हैं, बोलने नहीं देते हैं, अपोजिशन के लोग हैं, मैंने सुना। अब इनको बीच में अगर इंटरप्ट करना तो फिर से इनसे पूछ लीजिए, कुछ और बोलना है तो बोल दे, उसके बाद ही जवाब दूंगा। मैं सिर्फ आपको इतना बनाना चाहता हूँ कि देखिए, 1 तारीख को हमने अनाउंस किया है, सारे स्टेट की तरफ से भी डिमांड आ रहा था, सबसे रिक्वेस्ट आ रही थी 1 तारीख से, लेकिन ये कोई एंड डेट नहीं है, ये प्रोसेस को स्टार्ट करने का दिन है। कोई हर दिन एक ही दिन में सबको थोड़ी जो है टीकाकरण करना है, ये प्रोसेस होगा, शेड्यूलिंग होगी, लोगों को जैसे जैसे असेंबली लाइन में जैसे होता है प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन में जैसे जैसे सब तैयार हो रहा है उसको फिर सप्लाई भी किया जाएगा और उसके साथ वैक्सीनेशन भी होगा। लेकिन अगर कोई बेवकूफ इंसान ये समझ रहा है, जैसे आलोक जी बोल रहे हैं कि एक दिन में सबको वैक्सीनेशन होना था, एक में, तो शायद उसका कोई जवाब नहीं, किसी दुनिया में किसी के सरकार के पास जवाब नहीं होगा कि दुनिया की 20 करोड़ आबादी को एक दिन में, तो अमेरिका कर लेती, तो रशिया कर लेता, तो दुनिया का हर मुल्क एक ही दिन में कर लेता। क्यों हिंदुस्तान सबसे ज्यादा तेजी से वैक्सीनेशन कर पा रहा है? 15 करोड़ वैक्सीनेशन 99 दिन में सबसे फास्टेस्ट है दुनिया में। प्रीति जी फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये शुरू हुआ प्रोसेस सबके कलेक्टिव एफर्ट से, सबके सपोर्ट से, यहाँ पर तूतु मैमे बिना किए हुए, दोनों एक दूसरे पे उंगली उठाए बिना, देश में इस वक्त महामारी है, सब कलेक्टिव एफर्ट से हम इसको पूरा करेंगे। उसमें स्टेट की भी सहायता चाहिए हमें, उसमें सेंटर की भी सहायता होनी चाहिए, और दोनों मिलकर हम इसको जो ये काम शुरू किया है वो पूरा करेंगे। जिस तरह से हम जब पहली बार महामारी आई थी मार्च में 2020 में, तब हमारे पास एक लैब था, हम वैक्सीनेशन तो छोड़िए, हम टेस्टिंग के बारे में नहीं जानते थे। आज हमारे पास टेस्टिंग के लिए अनगिनत लैब है, उसी तरह वैक्सीनेशन के लिए बड़े बड़े सेंटर और बनेंगे, ढेर सारे सेंटर बनेंगे, और सबको वैक्सीनेशन जो उससे वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आलोक जी एक छोटा सा आप कमेंट दीजिए, फिर उसके बाद मैं अजय आलोक पर चाहता हूँ कि क्या यूपी में हमारी सरकार है, क्या जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार है, क्या गुजरात में हमारी सरकार है, क्या बिहार में हमारी सरकार है? इन राज्यों में सबने मना कर दिया कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि आज आपको डिसाइड करना पड़ेगा। वो जो कंपनियां वो कह रही है हम सेकंड डोज कहां से देंगे, कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो,
मैंने अगर 20 दिन पहले 25 दिन पहले एक सिंगल डोज ली थी और सेकंड डोज का अगर मुझे नहीं मिलेगा तो ये सरकार सोचेगी या ये राज्य सोचेंगे? मुझे लगता है कि आज पीएम केयर फंड से लेकर जीएसटी का कितना पैसा गया, सब चीजों जितने रिसोर्सेज आए हैं आज तक वर्ल्ड बैंक से लेकर आईएमएफ तक, एक व्हाइट पेपर आना चाहिए, सरकार को एक व्हाइट पेपर लेकर आना चाहिए कि किस राज्य को हमने क्या दिया। ऑक्सीजन के आंकड़े सुप्रीम कोर्ट ने मांगे हैं तो इनकी बखिया उधड़ गई है कि कहां कहां पर लूप होल्स हैं। अरे जो सवा साल में एक देश में इतनी बड़ी सरकार 300 सांसद, आप एक कमेटी ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं बना पाए, चार लोगों की, चार मंत्री रहेंगे, चार सेक्रेटरी रहेंगे, ये सब राज्यों को देखेंगे, आप नहीं देख पाए क्योंकि आप महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र, अब यूपी में हो गया। हम बार बार कह रहे थे कि राज्यों पर मत जाइए, राज्यों पर मत जाइए, आप एक राज्य की आज स्थिति खराब है दूसरे की कल हो सकती है। मैं तो कोई राज्य के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आलोक जी आपको ऐसा क्यों लग रहा है, आलोक जी आपको ऐसा क्यों लगा कि सिर्फ एक राज्य की बात हो रही है? ऐसा तो नहीं है, अगर किसी भी राज्य को मदद पहुंचाई जा रही है, कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, तो सब राज्यों की बात हो रही है। मैंने कोई राज्य, हम बार बार कह रहे हैं कि आप महाराष्ट्र और गुजरात से मत जाइए, चाहे गुजरात में किसी की भी सरकार हो, हमने कभी डिबेट नहीं करना चाहिए। लेकिन हमेशा बीजेपी के प्रवक्ताओं की जो भाषा थी वो पूरी तरह से ये थी कि एक राज्य के पीछे पड़ जाओ। हम कह रहे हैं किसी की भी सरकार है, सब भारत के राज्य हैं। आज जब सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है तो क्या जवाब देंगे ये लोग? हाई कोर्ट ने जब ऑक्सीजन पर फटकार लगाई, जब क्या जवाब था इनके पास? कांग्रेस पूछे तो गलत है, और अब आगे आगे देखिएगा क्या होगा। हमने कहा था 20 लाख करोड़ रुपए के लिए मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, तब भी नहीं माने। हमने कहा था इकोनॉमिक सुनामी दो डॉक्टर्स हैं और वो इस वैक्सीनेशन प्रोसेस के बारे में ज्यादा एक्यूरेट बता सकते हैं और क्यों दिक्कतें आएंगी और किस तरह से हम उससे जूझेंगे उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक भी हैं और साथ ही डॉक्टर एनके पांडे सीएमडी हैं एशियन हॉस्पिटल के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एनके पांडे साहब, इस वैक्सीनेशन अभियान में हमारे सामने चुनौतियां क्या हैं, क्योंकि हमें कहा जा रहा है कि भाई वैक्सीन को लेकर बहुत भयानक स्तर पर कमी है, क्योंकि ये जो थर्ड फेज का ट्रायल होने जा रहा है, जो पूरा ड्राइव चलने वाला है, उसमें बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन होना है। देखिए, जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, वैक्सीनेशन तो ऑलरेडी चल रहा है और जिस तरह से वैक्सीनेशन ऑर्गेनाइज किया गया है और जैसे लोग आगे आए हैं, तो उसमें दो चीजें हैं। एक तो हमें पब्लिक को ये अवगत कराना होगा कि ये वैक्सीनेशन ही है जो इस महामारी के चेन को तोड़ेगी, और इसलिए एक तो हमें पब्लिक एजुकेशन ड्राइव करना पड़ेगा और दूसरा बड़े स्तर पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने पड़ेंगे वैक्सीनेशन के लिए, क्यों ये ना हो कि जैसे आज हम बेड्स के लिए और ऑक्सीजन के लिए और बेसिक चीजों के लिए हम लोग अटक रहे हैं और लोगों की जाने जा रही है या मेजर प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो उसको दूर करने के लिए अभी से इसको प्लान करने के रखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। यूके या यूएसए से हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। 8 करोड़ की पॉपुलेशन, 9 करोड़ की पॉपुलेशन को 130 करोड़ के और 132 करोड़ के पॉपुलेशन से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये फैक्ट है कि जो जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें इस ट्रांसमिशन के चैनल को पहले हमें वैक्सीनेशन को बढ़ा के ब्रेक करना पड़ेगा। जहां तक प्रोडक्शन का सवाल है, ऐसा है नहीं कि सारे वैक्सीन बन के आ जाएंगे और उसके बाद वैक्सीनेशन चालू होगा, ठीक है। ये एक दिन में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चालू नहीं होगी। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो आप डिबेट कर रही है, ये अभी जो करेंट प्रॉब्लम है उस पे करें, रादर देन कि ये कांग्रेस और बीजेपी के डिबेट में उलझाया जाए। बार बार कहा जा रहा है, आप तो कोर्ट के जरिए